सोलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज जो है आप सभी को ICAR की तरफ से जो है आप सभी को एक ईमेल आया होगा, जिसमें कि आपको एक नया एप्लीकेशन नंबर और जो है एक नया पासवर्ड आपको मिला होगा। सो गाइज, इसके बाद क्या करना है आप सभी को कि उसके नीचे जो आपको यहाँ पर दिया होगा कि इस साइट को जो है आपको विजिट करना है। तो देखिए, आगे से आपके जो भी प्रोसेसेस होंगे, बिकॉज अभी तक आप जो भी था, आप NTA के साइट पे जाके विजिट करते थे और वहाँ से जो है जो भी इन्फॉर्मेशन आपको ICAR से रिलेटेड चाहिए होता था, या फिर जो भी आगे प्रोसेसेस होते हैं जैसे एडमिट कार्ड या कुछ भी, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करते थे। लेकिन आगे से क्या है, आपको जो है इस साइट पर विजिट करना है, यानी आपके जो भी काउंसलिंग होगी, आपके जो भी सीट अलॉटमेंट होगा, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा आगे फर्दर, वो सारे के सारे चीज़ें जो है आपको यहीं से होगा। इवन आपके रैंक कार्ड जो रिलीज होगा वो भी यहीं पर होगा। तो यहीं पे जो है आपको इस साइट पे आपको बोला गया विजिट करना है। तो देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहला नंबर, आपको एप्लीकेशन नंबर और एक पासवर्ड दिया होगा। ये जो पासवर्ड है, आपको ध्यान रखना है कि ये वन टाइम पासवर्ड है, यानी ये पासवर्ड केवल एक बार ही आप यूज़ कर पाएंगे, और वो जो है इसी साइट को विजिट करते समय आपको यूज करना है। और जैसे ही आप इस पासवर्ड को एक बार यूज करेंगे, तो आपको जो है बोला जाएगा न्यू पासवर्ड बनाने के लिए। तो आपको जो भी आपको सही लगे, आप अपने हिसाब से जो एक नया पासवर्ड बना लीजिएगा, बिकॉज फर्दर आगे के लिए जो है यही पासवर्ड जो है आपका ये एप्लीकेशन नंबर और ये पासवर्ड जो नया जो भी पासवर्ड बनाएंगे वही पासवर्ड जो आपको यूज होगा फर्दर जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड लेके चीज़ें, या फिर कुछ भी आगे जो भी ICAR से रिलेटेड जो चीज़ें होंगे आपको, आप यहीं इस साइट पे उसी पासवर्ड के साथ कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप जो है नया पासवर्ड बना लीजिएगा, बिकॉज उसके भी टाइमिंग है। तो आप सबसे पहले पासवर्ड बना लीजिएगा बस, और यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हैं, लॉगिन टू अपडेट। यहाँ पे जो है दूसरा चीज़ है कि आप अपना कैटेगरी को अपडेट कर सकते हैं, जैसे मैं कैटेगरी जो है PC जैसे हो गया, या फिर जो है UPS, खास करके UPS वाले जो है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि उनका स्टेट जो है UPS के अंदर आता है, यानी अंडर प्रिविलेज स्टेट के अंदर आता है। टोटल 12 स्टेट्स हैं यहाँ पे जो कि UPS के अंदर में आते हैं। तो यदि आपका भी स्टेट अगर UPS के अंदर आता होगा, तो आपको भी जो है अलग से जो है आपका सीट्स जो है हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में जो है रिजर्व होते हैं, ICAR के जो सीट्स रिजर्व होते हैं UPS कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप भी जो है आपका स्टेट अगर UPS के अंडर में आता होगा, तो आप भी अगर पहले फॉर्म अप्लाई करते समय अगर नहीं अगर बता पाए हो वहाँ पे अपने कैटेगरी में UPS नहीं चूज कर पाए हो, तो अभी भी टाइम है। इसका जो है आप देखिए टाइमिंग भी आपको दिया हुआ है कि आज 3 तारीख से जो है लेके आप 5 तारीख तक, 5 नवंबर तक जो है आप अपडेट कर सकते हैं। अभी भी जो है आपको टाइम मिलेगा, आप जाके अपडेट वहाँ पे कर सकते हैं, लॉगिन करके नया जो है हमें बनाएंगे अपडेट करके वहाँ से, और अपडेट कर दीजिए कि हाँ आप भी UPS के अंदर आते हैं। तो आप UPS वाला जो है, यदि आप UPS में मतलब आपका स्टेट है, तो आप UPS का जो है लाभ उठा सकते हैं। और जो भी नया पासवर्ड है, आप यहाँ से जो है नया पासवर्ड अपना जो भी एप्लीकेशन के साथ जो है बनवा लीजिए, और इस साइट पे जो आपको आगे फर्दर जो भी इन्फॉर्मेशन होगा यहीं से मिलेगा, तो आप यहीं से विजिट करिएगा। और एक चीज़ और, कि यदि आपको नहीं पता है कि आपका स्टेट जो UPS में अंदर आता है या नहीं, तो आप जो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक थोड़ा सा वीडियो बना दूंगा, बिकॉज यहाँ तो अभी जो है ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं लगभग 12 स्टेट्स हैं, तो मैं सारे का जो है एक जगह पे नाम लिख के बता दूंगा, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आपका स्टेट जो उसके अंदर आता है या नहीं, ताकि आपको भी जो अप्लाई करते समय आपको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।